क्या नाम है आपका? विजय इंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारी जमीन जो है बरेली विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण की है, उसका हमें 14,20,00,000 रुपया मिलना है। तो इन लोगों ने जोगिंदर सिंह और योगिंदर सिंह ने हमारे बैनामे में अड़चन लगा रखी है, हमसे 60,00,000 रुपए मांग रहे हैं। तो हम पहले इन्होंने हमारे पिताजी से मांगे थे, पिताजी ने देने से मना कर दिया। तो उन्होंने बाद में कहा कि तुम हमारे, पिताजी ने कहा कि ऐसा है, उन लोगों ने खबर भिजवाई है कि वकील से मिलने, हमारे वकील से, उनका जो वकील है जोगिंदर सिंह का, उसका नाम राम बाबू है, जो बीडीए के मुकदमे लड़ता है उनका मतलब वकील है। हम राम बाबू से मिलने आए तो हमने जो है उनकी वीडियो बना ली। राम बाबू ने 60,00,000 रुपए हमसे मांगे, 50,00,000 रुपए बोले हम ऊपर अलग उनको देंगे, अधिकारियों का नाम लेते हुए नहीं लिया मतलब, और क्या कहते हैं, और 10,00,000 रुपए अपने लिए मांगे। तो मैंने पूछा भी था कि डीसी साहब का इसमें कितना हिस्सा है और उनका उपाध्यक्ष जी का क्या हिस्सा है मतलब। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा हम बैनामा करा देंगे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है किसका कितना हिस्सा है। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारा बैनामा हो जाए। अगर इन लोगों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो मैं और मेरा पूरा परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर आत्मदाह करेंगे। जमीन किसको दे रहे हैं? जमीन बीडीए के लिए दे रहे हैं हम। अड़चन ये लग रही है कि 60,00,000 रुपए मांग रहे हैं, बोलो, कह रहे हैं 60,00,000 रुपए दोगे तब क्या वो करेंगे। कितने मांगे हैं? ये वकील के मतलब बीडीए, हमारे पास प्रूफ है बीडीए के वकील के द्वारा इन लोगों ने मांगे हैं, अधिकारियों ने, अधिकारी सीधा रिश्वत नहीं मांगता है। कौन सा अधिकारी है? डीसी है जोगिंदर सिंह और सचिव है जोगिंदर सिंह। आपके पास 60,00,000 रुपए देवाना? हाँ हाँ, बयाना बना बीडीए में चली आई जमीन। हाँ हाँ, बीडीए में तो गई हुई है, इन्होंने अड़चन लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र किया। राम बाबू, मैं कुर्मी समाज से हूँ, राम बाबू भी कुर्मी समाज से है। तो इन लोगों ने, सचिव ने और योगेंद्र ने, इन लोगों ने मिलकर के हमारे रिश्तेदार, क्योंकि राम बाबू सबको जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों को मिलकर के एक षड्यंत्र किया और हवाली में मुकदमा डलवा दिया इन लोगों ने, जिससे कि इन्हें एक बहाना मिल गया। मुकदमा इसी जमीन का डलवा दिया उन लोगों ने, बस डलवा दिया है कि मतलब खाली मुड़ी कर चढ़ा। जबकि हाँ, जमीन किसी और के नाम है? जमीन हमारे पिताजी के नाम है, 52 साल पहले की है, 72 में यहाँ। हाँ, कितना रुपये मिलने वाला आपको? हमें मिलेगा 14, हमें मिलना था 16 करोड़, उसमें से मेरी मम्मी के नाम थी 1,70,00,000 मिल चुका है, 14,20,00,000 मेरे पिताजी के नाम में वो मिलने को है। ये लोग अड़चन लगा रहे हैं, अब 60,00,000 रुपए मांग रहे हैं, कह रहे बनावट तुम्हारा हो जाएगा, आज भी कह रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ, नहीं बीडीए में तो गई हुई है, क्योंकि बीचा बीच में फंसी हुई है, ये लोग बैनामा में अड़चन लगाए हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं नहीं तो हम तुम्हारा पैसा जो ट्रेजरी में भेज देंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो ट्रेजरी में भेज देंगे। हाँ, तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा ना, नुकसान कर रहे हैं हमारे। नुकसान नहीं हो रहा, बैनामा नहीं हो रहा। हाँ, बैनामा नहीं कर रहे हैं ये लोग।